अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट स्ट्रीट हंटर आपके अपने चैनल ग्लोबल व्यूअर चॉइस से। गाइस, आज हम आपको लेकर चलेंगे बंस रोड के स्पेशल बन कबाब हाउस में। यहां के बन कबाब बहुत ही मशहूर हैं और इनकी शॉप बंस रोड पे फ्रेस्को के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये सिंगल है, ये पहले बनाए थे, वो डबल थे। अच्छा अच्छा, चटनी डाल दी इन्होंने। और ये गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम खड़े हैं बंस रोड के मशहूर कबाब वाले में, आजाद बन कबाब वाले के पास, और ये इस टाइम कबाब बना रहे हैं, मशहूर हैं इनके। देखते हैं कि किस तरीके से क्या हिसाब है। 60 रुपये का, डबल 120 रुपये। 60 रुपये का और डबल 120 रुपये का है। डबल से मुराद क्या है आपका? दो, ये डबल ही बना रहा है, सिंगल इसका आधा कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ये डबल ही तो इसमें बड़ा मशहूर है माशाल्लाह। आपका क्या क्या चीज़ें डालते हैं इसके अंदर? चटनी और प्याज होती है। चटनी और प्याज, कैचअप वगैरह। लोगों का रश रहता है काफ़ी यहाँ पे। ये रोड कौन सी कहलाती है? फ्रेस्को सामने है बिल्कुल, बंस रोड कहलाती है। बंस रोड, ये चटनी स्पेशल है आपकी कोई? क्या इसमें चटनी लोग हमारी अच्छी होती है, कबाब भी हमारे आप खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये अंडे वाला नहीं होता इसमें? अंडे ऊपर लगा हुआ है, अंडा इस पर लगा हुआ है। तो गाइस, चलते हैं और बर्गर ट्राई करते हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों का फीडबैक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज और ये तनावल फरमा रहे हैं बन कबाब। अली नवाज, कैसा लगा आपको ये? अली नवाज लेकर आए हैं और अली नवाज ने बोला कि यहाँ का बन कबाब खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो अली नवाज, पहले भी आपने यहाँ पे खाया? बहुत दफ़ा, बचपन से आ रहे हैं। तो ये मतलब इनकी स्पेशलिटी इसमें क्या है? ये किस चीज़ का है? दाल का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है कबाब? कबाब ही बेसिकली इंडियन डिश है। अच्छा अच्छा, हाँ, इंडिया में इसमें खाया जाता है। अच्छा अच्छा, लगता है खाना है, रोटी खा रहा है। तो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ये ट्राई करें ज़रूर है। तो मोहम्मद अली साहब, यहाँ पे बर्गर खाया आपने, कैसा लगा बर्गर आपको? पहले भी खाते रहे? यहीं खाते हैं। इस यहाँ के और दूसरे बर्गरों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मटेरियल अच्छा होता है, टेस्ट। अच्छा, इनका मटेरियल साफ सुथरा होता है, आप ये कह रहे हैं टेस्ट अच्छा है। अच्छा, तो ये अलग करके देते हैं बन, और इसमें क्या खसूसियत है इनकी? उनका अपना स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है, तो ये मतलब कोई इनकी ख़राब चीज़ नहीं डालते, एतमाद की वजह से आप यहाँ पे आ रहे हैं? और कोई वजह नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी।